हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, हॉस्पिटल व्लॉग। यस, आज है मेरा फोर्थ डे एट हॉस्पिटल एंड ये वीडियो क्लिप किया था मेरे हस्बैंड ने। वो बोल रहे थे कि तुम बहुत बच्ची लग रही हो, तो फिर मैं उठी, उसके बाद मैं ब्रश करने के लिए अपने कबर्ड से ब्रश एंड टूथपेस्ट निकाल रही हूँ, तो मैं ब्रश करूँगी एंड ब्रश करने के बाद मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे कैंटीन में सिर्फ यही राइस है जो मुझे पसंद है, नहीं तो मुझे इडली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यहाँ पे मोस्टली साउथ इंडियन नहीं मिलता है ब्रेकफास्ट, तो ये राइस और एक बॉयल्ड एग खाया। एंड हियर इज़ आर बर्थडे बॉय, आज इनका बर्थडे है, बट शायद यही था कि हॉस्पिटल में ही रहने बर्थडे के दिन। लास्ट ईयर जब मेरा बर्थडे था उस दिन भी मैं हॉस्पिटल में ही थी और इनके बर्थडे में भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। तो अभी जो है हमारी डॉक्टर आने वाली है, अभी आई नहीं है, उनका वेट कर रहे हैं। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर पैसेज पे वॉक कर रहे हैं क्योंकि अंदर जो है बेडशीट्स चेंज हो रहे हैं। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली एंड अभी मुझे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लग गया है, तो मेरा काफ़ी ब्लड क्लॉट हो रहा है यहाँ पे। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद, मैंने एक कप, छोटी सी कप की कॉफ़ी पी। सो फ्रेंड्स, अभी 12 बजे और अभी अभी मेरी डॉक्टर आई थी, तो जो मेरा CBNAT टेस्ट हुआ था लंग्स से सैंपल लेके, उसका रिपोर्ट आ गया है और उसमें रेजिस्टेंट नहीं दिखा रहा है। तो डॉक्टर इज सेइंग कि कल मेरा स्पाइनल टैप जो होता है, लंबर पंक्चर, वो भी करना पड़ेगा क्योंकि स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। तो उससे जो है मेरा टेस्ट TB का भी होगा और जो इन्फ्लेमेशन कितना है वो भी देखेंगे, तो उसी हिसाब से मुझे स्टेरॉइड्स देंगे। अभी 5 दिन हो गए स्टेरॉइड इंजेक्शन डेली देते हुए और अभी यही अपडेट है। और मेरे हस्बैंड घर जा रहे हैं लंच लाने के लिए, तो मुझे यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी शाम हो गई है, हस्बैंड घर गए थे, तो ये मेरे लिए ये पपाया स्मूदी लेके आए हैं, वो खा रही हूँ। एंड उसके बाद आज इनका बर्थडे है, हम लोगों का प्लान था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने पेस्ट्री लेके आए हैं, तो हम लोग छोटा छोटा पीस ऑफ केक जो है खा रहे हैं। एंड जितना भी प्रॉब्लम्स हो बाहर से, तो हमें मतलब थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग ही रखना चाहिए और थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो मैंने बोला कि आप केक लेके आना, हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद मुझे फिर से इंजेक्शन यहाँ पे दे दिया है, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी 5 बजे है और बैंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज। हेल स्टोन आया ना, हेयर स्टोन भी आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड भी आने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए। आज इनका बर्थडे है और प्लान्स था बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, एनिवर्सरी आ रहा है, लेकिन सभी प्लान्स फेल हो गए। तो अभी हम लोग यहीं पर बैठे हैं, अभी मुझे इंजेक्शन लग रहा है। आज मुझे डॉक्टर ने बोला था शाम में तुम पार्क जाना नीचे, बट अभी बारिश हो रही है वहाँ, तो अभी तो इंजेक्शन लग रहा है स्टेरॉइड और मैं ऐसी लेटी हूँ। और अभी जो हेल्थ अपडेट है वो ये है कि जो मेरा CBNAT हुआ उसमें मेरा MTB डिटेक्ट हुआ है लंग्स में, बट रेजिस्टेंट नहीं है। और दूसरा कल मेरा लंबर पंक्चर होगा स्पाइनल टैप, तो उसमें देखेंगे कि मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड में जो इन्फ्लेमेशन है वो कितना कम हुआ है, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया था जिसके लिए मुझे 4 दिन से कंटिन्यूसली स्टेरॉइड की इंजेक्शंस दे रहे हैं। तो डॉक्टर इज सेइंग कि कल जो है स्पाइनल टैप करके देखेंगे कि कितना इन्फ्लेमेशन है, अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो शायद 1 हफ्ते एडमिट करके डेली स्टेरॉइड इंजेक्शन देना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लेमेशन कम हो गया है, जो माइलाइटिस है उसमें थोड़ा सा कम क्या है, तो फिर मुझे 3-4 दिन स्टेरॉइड का इंजेक्शन देंगे, उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग सोचे कि एक बार जो TB का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जाके कंसल्ट करते हैं, और जो मेरा ब्रेन का जो स्वेलिंग है, स्पाइन के स्वेलिंग है, उसके लिए तो यहाँ पे आना ही है, लेकिन एक बार हम लोग TB का हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जाके कंसल्ट करेंगे। और अभी रात के 9 बज गए हैं, तो हम लोग कर रहे हैं डिनर, तो मेरे हस्बैंड ने घर से ही बना के लेके आए हैं चिकन करी राइस, क्योंकि मुझे चिकन खाने का मन कर रहा था। तो हमने डिनर किया और उसके बाद जो मेरा लेफ़्ट हैंड में लगाया था यहाँ पे काफ़ी ब्लड क्लॉट हो गया था मेरा, इसीलिए ये जो है फिट कर दिया है राइट हैंड में। सो फ्रेंड्स, अभी रात के 10:30 हो गया है, हमने डिनर कर लिया है, काफ़ी गर्मी है, तो अभी मैं जाके हाथ मुँह धो के आ रही हूँ, मैंने मेडिसिन भी ले लिया है, बस एक टैबलेट लेना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है 6th डे एंड अभी मैं उठ के ब्रश करके आई हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। आज मेरा लंबर पंक्चर होना है स्पाइनल टैप, तो मेरे डॉक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, वो मेरे हस्बैंड से कुछ फॉर्म्स जो पेपर्स है वो सिग्नेचर करा रहे हैं एंड अभी मैं जाऊँगी करने के लिए। तो मेरा LP हो गया है और मैं वार्ड में आई और देखा तो सभी का डिस्चार्ज हो गया है, बस 2-3 पेशेंट्स ही इस वार्ड में। एंड मेरा LP के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप खाना, लेकिन ऐसे लाई डाउन करना, उठना नहीं, तो मैं सोते सोते ही खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड खिला रहे हैं यहाँ पे।
लाइट से काफ़ी सेंसिटिविटी है, तो मैंने लाइट ऑफ किया है, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। तो अभी मेरी डॉक्टर आई थी एंड उन्होंने बोला है कि आज मुझे ज़्यादा वॉक नहीं करना है, तो मैं ऐसे ही सो रही हूँ। और जो मेरा LP किया था, जो CSF का फ्लूइड लिया था, उसका जो है एक तो TB जो गवर्नमेंट TB रिसर्च सेंटर है वहाँ पर भी भेजा है इन्होंने सैम्पल, और दूसरा जो है आज कल सुबह तक रिपोर्ट आएगा। तो वो रिपोर्ट में अगर मेरा दिखाता है कि इन्फ्लेमेशन कम है तो मुझे 2 दिन में डिस्चार्ज देंगे, अगर ज़्यादा है तो बोल रहे हैं कि स्टेरॉइड का डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी यही अपडेट दिया है डॉक्टर ने। एंड अभी जो है मेरे हस्बैंड भी घर जाएंगे, अभी डायरेक्टली शायद डिनर बना के लेके आएंगे, क्योंकि आज मेरा कोई टेस्ट नहीं है। और मैंने उनको बोला है कि आप घर जाके नहा धो के डिनर बना के लेके आओ, तो अभी मैं जो है रेस्ट कर लेती हूँ। गाइज, अभी रात के 10 बजे है, सब लोगों ने खाना खा लिया है, बट मेरे हस्बैंड घर गए थे डिनर लेने के लिए, क्योंकि डेली कैंटीन का खाना खाना ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला था कि घर जाके बना के लेके आओ, बट थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि बाहर थोड़ी सी बारिश भी हो रही है और ऊपर से ट्रैफिक भी अगर होगा तो फिर अभी तक आए नहीं है, वो बोल रहे ऑन द वे। तो आई एम मिसिंग माई फैमिली सो मच, अगर मेरी मम्मी, मेरे मामा, मामी, मासी ये सब लोग होते तो बहुत अच्छा होता, बट यार इतना दूर है, उनका भी अभी तुरंत आना पॉसिबल नहीं है, तो अभी काम चलाना पड़ेगा ऐसे ही। तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं बस वेट करूँ कि वो आए और हम लोग खाना खाए। अंधेरा है क्योंकि मैंने ऊपर लाइट ऑफ करी हुई है, मुझे लाइट से ज़्यादा ही सेंसिटिविटी है, और आज तो LP करने के बाद मुझे हेडेक भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आज दिन भर मेरा ऐसे लेटे लेटे ही चला गया, बहुत ही ज़्यादा बीमारी वाली फीलिंग आ रही है अभी। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, आए तो काफ़ी देर पहले ही थे लेकिन फंस गए थे बारिश की वजह से। तो मैं मैंगो शेक पी रही हूँ एंड थोड़ी देर में मैं कर रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैं जो है आज वेज राइस खा रही हूँ। आप लोगों में कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि राइस मत खाओ, राइस इज़ नॉट गुड, बट मैंने अपने डॉक्टर से बात करी है तो उन्होंने बोला है कि आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइस, आटा, रोटी ये सब खा सकते हैं। सो इट्स 10:30 एंड हम लोगों ने डिनर कर लिया है, तो अभी मैंने मेडिसिन भी ले लिया है, बस मुझे एक सिरप लेना है और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो ऐसे सो के मेरे को बहुत ज़्यादा ही ये हो रहा था, तो थोड़ा सा इसको ऐसे उठा दिया है, तो थोड़ी देर ऐसे ही मैं आराम करती हूँ। कि डिनर करने के बाद मुझे वॉक करने की आदत है, बट आज डॉक्टर ने बोला है कि वॉक नहीं करना है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहती हूँ। थोड़ी देर बात करते हैं, हस्बैंड भी नीचे बैठे हुए हैं फ्लोर पे, तो थोड़ी देर बात करते हैं उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। तो आई होप कि कल जो है मेरा LP का रिपोर्ट में थोड़ा सा अच्छा आए, इन्फॉर्मेशन कम आए और मुझे डिस्चार्ज मिल जाए, फिंगर्स क्रॉस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।